हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सीबीएसई का मैथ और चैप्टर है 14, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बारे में पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। 14.1, 14.2 इस तरह का कुछ एक्सरसाइजेस है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन और नंबर का फैक्टराइजेशन और पॉलीनोमियल के फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। पहले लुक एट हियर, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो पता है, सपोज हम लिखेंगे 6, 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, वी विल एक्सप्रेस इट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, मतलब 2 × 3। ऐसे नहीं लिख सकोगे 6 = 6 × 1, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 प्राइम नहीं है 1 भी प्राइम नहीं है। तो ये फैक्टर्स का मतलब, फैक्टराइज का मतलब 2 और 3 जितना पॉसिबल है उतना प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करना है। ओके, फॉर एग्जांपल हम और एक दिखेंगे, और एक एग्जांपल है 30। 30 क्या बन जाएगा, 2 × 15। 2 तो प्राइम है लेकिन 15 तो प्राइम नहीं है ना, तो 15 को फिर फैक्टराइज करेंगे, हो जाएगा 3 × 5। अब फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 3 × 5। हाउ, बिकॉज 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, ऑल्सो 5 इज प्राइम। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन है, ये नंबर का फैक्टराइजेशन है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे नंबर का नहीं है, पॉलिनोमियल्स का, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। कैसे, लुक एट हियर, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक एग्जांपल देखियो, 5xy, हम इसको लिख सकेंगे 5 × x × y। 5 प्राइम है, एक्स भी यहाँ प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फैक्टर के हिसाब से वो प्राइम है, और y भी प्राइम है। ठीक है, सपोज y स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे y × y, तो ये दोनों प्राइम बन गया। प्राइम मतलब प्राइम नंबर मत समझना, प्राइम मतलब ये प्राइम फैक्टर से, वो जो पॉलिनोमियल है, वो जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर है। यहाँ के एग्जांपल देखो, 5xy, हम लिखेंगे 1 × 5 × x × y, लेकिन 1 यहाँ नहीं, ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, तो 1 को नहीं लिखना चाहिए। ओके, और एक एग्जांपल देख सकते, xy को हम क्या लिखेंगे, x × y। और एक एग्जांपल देखो, x³y², ये होगा x × x × x, y × y, हो गया फैक्टराइजेशन। इस तरह का हम छोटे छोटे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, उसको हम फैक्टराइज कर सकेंगे। ठीक है, और भी एक मेथड है, ये जो मेथड हम करते हैं ये छोटा छोटा है, 1 टर्म वाला, 2 टर्म, 3 टर्म्स अगर होगा तो कैसे करेंगे, देखो एक एग्जाम्पल देखना चाहिए। सो ये जो मेथड में हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये मेथड को बोलते हैं बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। जितने सारे टर्म्स है उसको रीग्रुपिंग करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ देखो, 2xy + 2y, ठीक है, 2xy + 2y। यहाँ सिंपल प्रोसेस में क्या मिलेगा, 2 × x × y, और ये बन जाएगा 2 × y। उसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन ले लेंगे मतलब है HCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे नंबर का HCF लेते हैं, इस तरह का हम एक्सप्रेशन का भी HCF लेते हैं। यहाँ HCF कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा तो 2 लिखेंगे, 2 यहाँ है, यहाँ भी है, और x आएगा, x नहीं है तो x नहीं आएगा कॉमन, y आएगा, यस y आएगा, सो 2y कॉमन जाएगा। और क्या रह जाएगा, देखो यहाँ y हटा दिया, 2 हटा दिया, तो क्या रह गया, x, तो हम क्या लिखेंगे, x। यहाँ देखो 2 चल गया, y चल गया, मतलब सब कुछ चल गया, मतलब क्या रह गया, +1। यहाँ पर लिखा है, हमने इरेज कर दिया लेकिन यहाँ पर लिखा है 2y होल × x + 1। ठीक है, और एक एग्जांपल नीचे भी दिया गया है, 3x + 3, यहाँ क्या कॉमन जाएगा, 3 कॉमन जाएगा, कॉमन मतलब HCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, क्या रह गया, x + 1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब ऐसे समझो समथिंग प्लस समथिंग फैक्टर नहीं होगा। जैसे बोला था हमने 6 = 2 × 3, ये फैक्टराइजेशन है। 6 को अगर हम लिखेंगे 1 + 5, ये फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि ये प्लस होकर रहा है। तो समथिंग इंटू समथिंग मतलब 2 और मोर टर्म्स का, और 2 और मोर नंबर्स का, वो भी प्राइम होना चाहिए। ठीक है, उनका प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है फैक्टराइजेशन। ये जो सिंपल मेथड है रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, वेरी सिंपल। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम एक्सरसाइज को जाएंगे। एक्सरसाइज 14.1, क्या क्वेश्चन है ठीक से देखो, 12x + 36। ठीक है, तो 1 नंबर का एक्सरसाइज ध्यान से देखो, 14.1। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 12x, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 3 × x, हो गए।
सेकेंड टर्म क्या है 36, 36 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 हो गया ना। फैक्टराइज करेंगे लेकिन ये क्या लिखा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन के लिए नहीं लिखा है, वो लिखा है कॉमन फैक्टर क्या है लिखो। सो द कॉमन फैक्टर्स आर देखो क्या क्या कॉमन है, 2 यहाँ 2 पीस है, यहाँ भी 2 पीस है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 और 2, 2 हो गया। और क्या कॉमन है, यहाँ 3 एक पीस है, एक पीस है, सो कॉमन 3 एक पीस ही लिखेंगे, 2 पीस नहीं लिख सकते ठीक है। और क्या कॉमन है, एक्स यहाँ है वहाँ नहीं है, मतलब कॉमन इतना ही है 2, 2, 3, नहीं तो उसको प्रोडक्ट में भी लिखा सकते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2 × 2 × 3 क्या बन जाएगा, 12। सो कॉमन फैक्टर 12 बन गया ठीक है। अभी फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आगे जाके आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2i देखो, 2i पे क्या लिखा है, 2i क्या लिखेंगे, 2 × i 22xy, 22xy देखो 22xy, 22 तो प्राइम नहीं है, सो 2 × 11 हो गया प्राइम, देन x × y। अब देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखो 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, सो 2 लिख लिया, देन y कॉमन है, यहाँ भी y है, सो 2 × y, सो प्रोडक्ट क्या होगा 2y, और 11 कॉमन नहीं है, x कॉमन नहीं है, मतलब दोनों में नहीं है ठीक है। सो थर्ड आई का क्वेश्चन क्या है, बुक से देख लो। ओके क्वेश्चन है 14PQ, ये फर्स्ट टर्म है 14PQ, 14 क्या हो जाएगा 2 × 7, पी क्यू मतलब P × Q हो गया फैक्टराइजेशन, देन 28 P² Q² 28 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 7, देन P² P × P Q² Q × Q। क्वेश्चन क्या दिया गया, कॉमन फैक्टर्स क्या है, सो राइट डाउन द कॉमन फैक्टर्स आर देखो 2 1 पीस है, सो 2 1 पीस ही आएगा, 7 यहाँ 1 पीस है, एक ही है, सो एक ही 7 आएगा, पी देखो यहाँ एक ही है, यहाँ 2 है लेकिन एक कॉमन है, मतलब एक ही पी आएगा, क्यू यहाँ 1 पीस है, यहाँ 3 पीस है लेकिन कॉमन क्या है 1 पीस है, सो क्यू 1 पीस ही आएगा, तो कितना बन गया अभी ठीक है, ये बन गया 14 PQ 3i हो गए, देन आई वी का क्वेश्चन क्या है, आई वी का क्वेश्चन है 2x वेरी सिंपल 2 × x एंड सेकेंड टर्म क्या है 3x² 3 तो प्राइम है, x² x × x हो गया, देन 4 क्या होगा 2 × 2 हो गया, यहाँ 3 टर्म्स है, नो प्रॉब्लम। सो द कॉमन फैक्टर्स आर क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स हो जाएगा, देखो 2 यहाँ है सेकेंड टर्म में नहीं है, सो 2 नहीं होगा कॉमन ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म में नहीं है, तो यहाँ क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कॉमन फैक्टर्स होगा 1। ओके क्लियर, देन क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, 6ABC, 6 क्या हो जाएगा 2 × 3, ABC A × B × C, देन 24AB² 24 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 AB² क्या होगा B × B हो गया। और थर्ड एक टर्म भी है 12A² B, 12 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 12 हो गया A² A × A और B। अब देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, सो द कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या कॉमन है, देखो 2 एक पीस यहाँ है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, सो 2 एक पीस रह गया, 2 पीस क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 सब में नहीं है तो 2 कॉमन नहीं होगा ठीक है। अच्छा देन और क्या कॉमन है, ए यहाँ 1 पीस है, ये भी 1 पीस है, यहाँ भी 1 पीस है, सो ए आ गया ठीक है। देन बी यहाँ 1 पीस है, सेकेंड में भी 1 पीस है, थर्ड में भी 1 पीस है, सो बी आ गया। और क्या कॉमन है, देखिए और कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या बन गया ये 2AB, आगे ये क्रॉस मार्क क्यों दिया हमने ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2AB, ये है कॉमन फैक्टर्स और उसका प्रोडक्ट भी लिख लिया ठीक है। अच्छा देन VI क्या है, 16
एक्स क्यूब 16 हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 और एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स देन माइनस 4x² माइनस 4 क्या बन जाएगा माइनस 1 सेपरेट रख लो लेकिन ये तो प्राइम नहीं है फिर भी रख लो 2 × 2 ठीक है इंटू एक्स इंटू एक्स ये साइन के लिए माइनस 1 रखा है ठीक है 32x 32x क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 × 2 = 32 इंटू एक्स। अब देखो कॉमन क्या है यहाँ 2 कितने पीस है 2 पीस यहाँ 2 पीस यहाँ 2 पीस हम 3 भी ले सकते हैं लेकिन 3 कॉमन नहीं है ठीक है सो द कॉमन फैक्टर्स आर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या रहेगा 2 कितने पीस है 2 पीस सो 2 × 2 एक्स देखो यहाँ 1 पीस ये 1 पीस ये 1 पीस 2 पीस ले सकते हैं लेकिन 2 पीस यहाँ पर नहीं है अवेलेबल थर्ड टर्म में ठीक है तो एक्स आ गया 1 पीस क्या बन जाएगा अभी 4x मिल गया कॉमन फैक्टर्स। अब जाएंगे वी डबल आई का क्वेश्चन क्या है देखो वी डबल आई का क्वेश्चन है 10 PQ 10 PQ 10 क्या हो जाएगा 2 × 5 देन P × Q सेकेंड टर्म क्या है 20 QR 20 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 5 देखो सारे नंबर्स प्राइम है देन QR Q × R हो गया। थर्ड टर्म क्या है 30 RP 30 क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 R तो R P तो P ठीक है वहाँ कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया कॉमन फैक्टर्स आर कौन कौन कॉमन क्या क्या कॉमन है ठीक है तो कॉमन क्या है 2 1 पीस है यहाँ 2 1 पीस है और यहाँ 2 1 पीस है तो क्या लेंगे हम 2 सिंगल पीस ठीक है सो 5 1 पीस है यहाँ 5 1 पीस है यहाँ 5 भी 1 पीस है सो 5 1 लोग देन 3 देखो यहाँ है लेकिन सेकेंड टर्म में नहीं है थर्ड में नहीं है 3 नहीं ले सकते और क्या लेंगे क्यू सब में नहीं है और सब में क्या है आर भी सब में नहीं है तो फाइनली हमको क्या मिल गया 2 × 5 = 10 यही है आंसर ठीक है। देन वी थर्ड आई का क्वेश्चन क्या है 3x² y³ इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा 3x² मतलब x × x y³ मतलब y × y × y हो गया। सेकेंड टर्म क्या है 10x³ y² 2 × 5 x³ मतलब x × x × x y² y × y ठीक है देन 6x² y² z 6 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 × 3 देन x × x देन y × y देन z सिंगल पीस है ठीक है सो कॉमन फैक्टर्स क्या है कॉमन फैक्टर्स आर रेड कलर कर देंगे तो इजी रहेगा देखो यहाँ क्या है 3 यहाँ है लेकिन सेकंड में नहीं है सो 3 नहीं होगा ठीक है सो x क्या होगा यहाँ 2 पीस है यहाँ भी 2 पीसेस है यहाँ भी 2 पीसेस सो x × x आ गया। y देखो यहाँ 3 है लेकिन हम 2 ही कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ 2 है सो y × y z सब में नहीं है तो यही बन गया ठीक है तो फाइनली हमको क्या मिल गया x² y² आंसर ये हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग।